ने कहा वो क्या था? किरदार के बारे में बात करें, कहानी के बारे में बात करें, बहुत शॉर्ट में आपने कहा, वो रिकॉर्ड हुआ, आपके किरदार के बारे में जानकारी नहीं मिली, कहानी के बारे में जानकारी नहीं मिली और स्टार कास्ट के बारे में जानकारी नहीं मिली। जी जी, ओके, खामोश रहिए पीछे प्लीज, साइलेंस साइलेंस प्लीज। अरे भाई बात करना है, अंदर चले जाओ ऑडिटोरियम के। साइलेंस प्लीज। कौन है पीछे? जाओ एक दो आदमी पीछे, अंदर जाइए ना, बात कीजिए। देखिए जनाब, ये फिल्म है सैटायर, ह्यूमर बेस्ड फिल्म है और इसका एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है जिसने खुद का अपना पैसा लगा के ये फिल्म बना रही है। इसमें आप कहेंगे स्टार कास्ट, स्टार कास्ट वो जो बनते हैं स्टार, जिनको आप कहते हो कि भाई वो सलमान साहब हैं, शाहरुख साहब हैं, आमिर खान साहब हैं, तो ऐसा कोई भी स्टार इस फिल्म में नहीं है। लेकिन सब जो कलाकार हैं वो शिक्षक हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए हैं। मैं और नसीर, हम दो आदमी आए थे पहले जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे। आज कम से कम 200 एक्टर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, चाहे वो क्या नाम उसका यार अपना इरफान खान हो, और बहुत सारे और एक्टर्स, यशपाल शर्मा है, बहुत हैं, और ये छुटकू भी वहीं से है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। बहरहाल बहरहाल कहने का मतलब ये है, जब कास्टिंग आजकल जो होती है बड़ी फिल्म की भी, जब हीरो हीरोइन तय हो जाते हैं, बाकी जो मीटी रोल होते हैं सब, उसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए लोग ढूंढे जाते हैं। तो आप ये मत समझिए अर्ध सत्य में कोई स्टार नहीं था, मैं कोई स्टार नहीं था उसमें, ना आक्रोश में मैं स्टार था, दोनों फिल्में सुपरहिट थी, और बहुत सी बिक्की डोनर में कोई स्टार नहीं था। तो ये कहना कि सिर्फ स्टारों की फिल्में हिट होती हैं, ये गलत भावना है। और स्टारों की फिल्में क्या फ्लॉप नहीं होती? होती हैं, अगर कहानी अच्छी नहीं है, फिल्म नहीं अच्छी बनी हुई है तो फ्लॉप होती है। और इस तरह की फिल्म जो है, खैर बहरहाल मैं आपको इस फिल्म की कहानी बताता हूँ। ये एक सच्चाई पर आधारित फिल्म है। हमारी सरकार जो अच्छे मन से, अच्छी भावना से मदद करती है लोगों की, अच्छी स्कीम बनाती है, उस स्कीम को भ्रष्टाचार की वजह से हम कैसे उसको गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने से रोकते हैं, भ्रष्टाचार की वजह से। और बदकिस्मती से उसमें नेता भी शामिल हो जाता है, सभी नेता एक जैसे नहीं है, ये बात सही है, नेता भी शामिल हो जाता है, पुलिस वाला भी हो जाता है, और डॉक्टर भी हो जाता है जिसको गवाही देनी होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उस हकीकत को इसमें दर्शाया गया है कि कैसे एक महिलाओं के लिए जो यूपी सरकार ने एक प्रावधान बनाया था कि जिसमें उनकी मदद की जाए, जो औरतें रेप हो जाती हैं, गैंग रेप हो जाता है या रेप हो जाता है, तो कैसे उसको तोड़ मरोड़ के फॉल्स रेप केसेस बना के वो पेश करते हैं और कैसे सरकार को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सरकार ने बहुत सारी पंचायती राज बनाया हुआ है, वो पंचायत सरपंच के अधीन पैसा होता है, पैसा कलेक्टर के पास पड़ा है, कलेक्टर के पास पैसा रहता है, सरपंच को जाके ये कहना होता है और ये बताना होता है कि साहब इस पैसे की हमें गांव को इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, चाहे नाली बननी हो, चाहे टॉयलेट बनना हो, जो भी चीज़ हो, तब वो पैसा रिलीज करता है। तो किसान हत्या पे भी जैसे बहुत बड़ा ये इशू है हिंदुस्तान में, सरपंच को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सरपंच क्या कर रहा है गांव में? सिर्फ पगड़ी पहन के सरपंच हो, गांव ऐसा नहीं होता कि 50,000 लोगों का गांव होता है, गांव छोटा होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन ऐसा किसान है, क्योंकि एक दिन में डिसाइड नहीं करता खुदकुशी करना, जब वो मजबूर हो जाता है तब वो खुदकुशी करता है।
तो इस तरह से हमारी जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स बनती हैं, लेकिन उसमें कितने लूपहोल हो जाते हैं, उसका कैसे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और कैसे, तो हमारा जो एक नेशनल कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो उसका पतन होता जा रहा है। जो चरित्र जब आज़ादी के लिए हम सब लड़े थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़े थे आज़ादी के वक्त, उस वक्त जो हमारी हमारे मूल्य थे, वो मूल्य आज नहीं दिखाई दे रहे। तो बराबर हमारा जो समाज है वो गिरता जा रहा है। बेईमानी, लालच, ये चीज़ें जो हैं, इन्हीं की वजह से गरीब आदमी का भला नहीं हो पा रहा। ये इस फिल्म का मकसद है कि खुशी से हम एक अच्छी और सही बात लोगों को बताएं। तो कहीं ना कहीं पूरे फिल्म का मकसद यही है कि सरकार पे मैंने जो कहना था वो कह दिया है। इसके अलावा मैं और मेरे पास कुछ है नहीं। एक अच्छा मैसेज भी बोल सकते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, गांधीगिरी पे लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी पैदा हो गए, क्या कहना है गांधीगिरी को लेके? कल रिलीज हुई है, आज कंट्रोवर्सी हो गई। उसके पहले से चल रहा था, क्या हो गया उसमें? वो डायरेक्टर जो था वो कह रहा था कि काम नहीं दे रहे। आपको ही लेके कहा गया था कि मैं तो प्रोड्यूसर नहीं हूँ उस फिल्म का ना। जी सारे फसाद के जड़ है वो मेरा नाम नहीं ले रहे। मैं फसाद की जड़? तुम कहो भैया जो कहना है, तेरे पास ये है, चैनल है, तूने जो कहना है तू कहता रहा मेरे बारे में। और हमने ये पिक्चर जब हमने शूटिंग शुरू करी उस दौरान से लेकर जब तक ये पिक्चर ख़त्म हुई तब तक हम सबने ये महसूस किया कि जैसे एक इंसान जब शुरू में कोई चीज़ की कोई स्टोरी सुनता है बहुत एक्साइटेड होता है और बहुत खुश होता है कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, मगर जब वो स्टोरी आप सोचते हो कि गांव में जाके शूट करना है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सुनने में बहुत क्रिएटिव लगता है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, मगर जब हम असली में गांव पहुंचे और हमने शूटिंग चालू करी तो आपके किरदार की अगर बात करें, हाँ तो थोड़ा सा अलग है। सर सारे किरदार एक दूसरे से अलग होते हैं, मगर इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा खास बात ये है जो हमने कुछ सेट क्रिएट नहीं किया, हमने गांव के लोग क्रिएट नहीं करे, हमने असली गांव के लोगों के साथ शूटिंग शुरू करी और ख़त्म भी करी। हमने कोई भी इंसान इम्प्लांट नहीं किया जो उस गांव से या उस शहर से नहीं था। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मैं क्राउड में बैठी हुई थी और बहुत सारा क्राउड था और रियल क्राउड था और एक छोटे से बच्चे को बहुत ज़ोर से चोट लगी हुई थी, दूध पीने वाला बच्चा था, माँ उसे वहीं दूध पिला रही थी और उसके चोट के ऊपर कुछ 100 मक्खियाँ बैठी हुई थी और मैं उसी क्राउड के बीच में बैठी हुई थी। वो मेरा सीन था कि मैं क्राउड के बीच में से उठ के आती हूँ। जब तक मेरा सीन आया तब तक मैं उस चीज़ को देख के उन सब चीज़ों को देख के इतनी ज़्यादा अंदर से मुझे फीलिंग होने लगी कि मैं शूट शुरू होने से पहले मैंने रोना शुरू कर दिया। वो लकीली बात है कि वो मेरा क्राइंग सीन था तो थोड़ा टेक्निकल एक्टिंग हो गया शायद मेरे लिए, मगर जो चीज़ें हमने उस गांव में देखी जहाँ पे सर्दी में हर एक घर से दो लोग मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, केमिस्ट की दुकान जहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसिन मिलती हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें हमें शायद पता भी ना चले। एज एन एक्टर हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, अगर हम ऐसे छोटे छोटे गाँव में ना जाएँ। मेरे लिए पिक्चर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हर एक इंसान हर एक चीज़ किसी रीज़न की वजह से करता है और मेरी पिक्चर करने के बाद मुझे लगता है कि मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनी और मैं चाहूँगी कि आगे पिक्चर रिलीज़ होने के बाद भी हम उस गांव में जा सके और उन सब लोगों की मदद कर पाएँ। और मेरा किरदार थोड़ा डिफरेंट है, मस्ती वाला है, मगर ये एक स्मॉल टाउन की लड़की नहीं है, ये एक गरीब लड़की है जो स्टेशन पर पैदा हुई और स्टेशन पर पली बढ़ी और उसने एक ही इंसान को देखा, जैसे गनमैन होते हैं ना, मिनिस्टर होते हैं जो एक ट्रेन से गनमैन के साथ उतरते हैं, तो एक छोटा गरीब बच्चा खाली उन लोगों को देख के लगता है कि यही पावर है, यही लोग दुनिया बदल सकते हैं, तो वो भी वही बनना चाहती है। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिल्ली रानी। जैसा कि आप लोगों ने सबसे सुना है, ये एक व्यंग फिल्म है, कॉमेडी है, मतलब सटायर है और इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस तो आपको सबकी बहुत अच्छी लगेगी। ओम जी हैं, जगदीप जी हैं, कुलभूषण जी हैं और जो इसके मेन लीड है अभय जोशी, ही इज़ डन वेरी गुड जॉब, ऑल द गर्ल्स जिन्होंने भी परफॉर्म किया है। बट अब मैंने जब इसको सुना था स्क्रिप्ट के बारे में, जो जिस तरह की कहानी है बहुत अच्छी कहानी है, वेरी सिंपल, जो हमारे आस पास घटता है
हम रोज देखते हैं कि हमारे आसपास घटता और कुछ चीज़ों का कैसे गवर्नमेंट तो हेल्प करना चाहती है लेकिन जो बिचौलिए होते हैं जो मिडल मैन है वो कैसे उसका मिसयूज़ करते हैं और एक आम आदमी को कभी समझ में नहीं आता कि उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है. सो दिस फिल्म इज़ गोइंग टू टेल यू कि एक घटना कैसे एक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी दी जा रही है या किसी तरह का प्रस्ताव है उसको कैसे बाकी लोग यूज़ करते हैं और वो जिसके लिए वो बना हुआ है वो कभी उस तक पहुँच नहीं पाता है. सो बेसिकली ये स्टोरी है. अपार्ट फ्रॉम स्टोरी अगर आप मुझसे जानना चाहें कुछ तो पूछ सकते हैं. रियली रियली टच्ड एंड वेरी हम्बल कि उन्होंने मुझे इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ कंपेयर तो नहीं कहना चाहिए, मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ, बट मेरा इस तरह बुला देना भी और इतने बड़े एक्टर के मुँह से आई एम रियली टच्ड वेरी हम्बल कि शायद मैं थोड़ा भी उस महान कलाकार के आसपास भी कहीं पहुँच पाई ना तो शायद मैं सफल रहूँगी.